अब ये लड़की इस ड्रोन को पूरा चार्ज करने के बाद नीचे आ जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर एक हेल्प नोट रखकर उसे होटल की तरफ उड़ा देती है। अब जैसे ही ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाला होता है, तभी वहां पर एक ट्रक फुल स्पीड में आता है और ड्रोन उससे टकराकर नीचे गिर जाता है और इनकी सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब जैसे ही रात होने लगती है तो बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि उसके अंदर वो अपना फोन डाल सके और उसे नीचे गिरा सके। लेकिन तभी बेकी को एहसास होता है कि उसकी दोस्त हंटर तो बहुत पहले ही मर चुकी थी और ये बस उसका वहम था, जिसके बाद बेकी बेहोश हो जाती है। और जैसे ही उसे थोड़ी देर बाद होश आता है तो उसके पैर को एक गिद्ध नोच रहा था, जिसे बेकी मार डालती है और अपनी 3 दिनों की भूख को शांत करती है। फिर बेकी एक आखिरी कोशिश करती है और हंटर की लाश तक पहुंच जाती है, फिर उसका जूता निकालती है और उसके अंदर अपना फोन डाल के उसे हंटर के पेट में डाल देती है। फिर वो हंटर से सॉरी बोलकर उसकी लाश को नीचे गिरा देती है। अब कहानी का पूरा सीन पलट जाता है और अगले ही सीन में बेकी टावर के नीचे खड़ी होती है, जो कि अपने पिता से रोकर गले लग जाती है।